और किसी पोर्टफोलियो का रिटर्न भी ले सकते हैं पोर्टफोलियो क्या है हमने ये बात डिस्कस की थी कि इट इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वेरियस स्टॉक्स यानी अगर हम बहुत से स्टॉक्स को कंबाइन करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहलाता है एक म्यूचुअल फंड भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जिसके अंदर बहुत से स्टॉक्स शामिल होते हैं अगर हम उस पोर्टफोलियो के रिटर्न को मार्केट के रिटर्न के साथ कंपेयर करें और बीटा की वैल्यू निकालें तो ये उस पोर्टफोलियो का बीटा कहलाएगा और अगर हमारे पास बीटा किसी इंडिविजुअल स्टॉक का मौजूद है और हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक के बीटा को कैलकुलेट करें तो उस केस में वाई एक्सिस पर हम उस स्टॉक के रिटर्न्स को कंसिडर करेंगे एंड दैट विल बी द Beta of that individual stock. Now, individual stocks can have risk or return equal to market, more than the market, or less than the market. Now, if beta of a particular stock is less than one, it means that the change in y variable is less than the change in x variable.

स्टॉक हैज अटा एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्केट बीटा और उसके बीटा की वैल्यू वन आ जाए वन का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस पे होने वाला चेंज वाई एक्सेस में होने वाले चेंज के एग्जैक्टली बराबर है यानी मार्केट में जितना रिटर्न होता है उस स्टॉक पर भी उतना ही रिटर्न होता है सो वी से दैट द बीटा ऑफ दैट स्टॉक विल बी वन स द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दैट स्टॉक विल एग्जैक्टली बीवल टू वन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत रेयर फिनमोना हो सकता है अगर हम मार्केट के रिटर्न को मार्केट के रिटर्न के साथ ही रिलेट करें यानी हमारे पास एक्स एक्सिस में भी मार्केट का रिटर्न हो और वाई एक्सिस पर भी मार्केट का रिटर्न हो तो आप समझ सकते हैं कि उस वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई दोनों एक्सेस पे सेम आएंगी एंड इन दैट केस वील गेट एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ बीटा दैट इज द रेलेटिव चेंज इन एक्स विल बी इक्वल टू द रेलेटिव चेंज ऑन वाई क्योंकि हमने दोनों एक्सेस पर सेम वेरिएबल ले लिया है तो ऐसा कोई स्टॉक जो कि वाई एक्सेस पर लिया जाए और उसका रिटर्न एग्जैक्टली मार्केट के रिटर्न के बराबर हो जाए आप समझ सकते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है यह कितना रेयर हो सकता है एंड फाइनली देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ बीटा वैल्यू इक्वल टू मोर देन वन एंड मोर देन वन बीटा मीन्स दैट द चेंज ऑन वाई एक्सेस दैट इज डेल्टा वाई और डी वाई इज मोर देन द चेंज ऑन एक्स एक्सेस दैट इज डेल्टा एक्स और डी एक्स यानी जब हम स्टॉक के चेंज को देखते हैं रिटर्न के चेंज को तो वो मार्केट के रिटर्न के चेंज से ज्यादा है यानी मार्केट के अंदर अगर वन परसेंट इंक्रीज हो रहा है रिटर्न तो उस स्टॉक का जो रिटर्न है वो वन से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है दैट इज वॉट इज मेंट बाय बीटा हैविंग वैल्यू मोर देन वन नाउ वॉट वी डू इज दैट वी कैलकुलेट इंडिविजुअल स्टॉक्स बीटा वैल्यू अगर हमारे पास किसी पोर्टफोलियो का कंबाइंड रिटर्न मौजूद है फिर तो हम बड़ी आसानी से उस कंबाइंड रिटर्न को मार्केट के रिस्क के साथ रिग्रेस करके या वाई एक्सिस पर पोर्टफोलियो का रिटर्न लेकर और एक्स एक्सिस पे मार्केट का रिटर्न लेकर उस पोर्टफोलियो की बीटा वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास इंडिविजुअल स्टॉक्स का बीटा मौजूद हो लेकिन पोर्टफोलियो का कंबाइंड बीटा मौजूद ना हो तो क्या हम पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हैं द आंसर इज यस एंड दैट पोर्टफोलियो बीटा विल बी नथिंग बट द एवरेज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द बीटा वैल्यूज इन द पोर्टफोलियो वेटेड एवरेज क्या है वेटेड एवरेज कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम बीटा की वैल्यूज को एवरेज करते हुए उस स्टॉक में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज को भी कंसिडर करते हैं यानी सिंपल एवरेज अगर हम लें तो वो क्या होगी कि मैं ए बी सी डी कंपनीज की बीटा वैल्यूज को ऐड करूं और फोर से डिवाइड कर दूं दैट विल बी द सिंपल एवरेज ऑफ द beta values of the four stocks in the portfolio but that will be incorrect for the reason if you look at company c stock where we have got maximum investment of 40% the beta value is 1.1 and the maximum beta value is of the stock where we have got 30% investment and the minimum value of beta is in stock d where we only have got 10% investment so that means if we will not account for the percentage of investment in each stock we cannot calculate the true value of beta and how can we average it uh, which is the weighted average it is simply by multiplying the value of beta with its respective percentage yani wo stock beta ki value 1.2 उसमें हमने अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% परसेंट इन्वेस्ट किया है और जिस स्टॉक की बीटा वैल्यू 1.3 है उसमें हमने 30% परसेंट ऑफ आर इन्वेस्टमेंट को लगाया है इसी तरह जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पोर्टफोलियो का एवरेज बीटा आ जाता है सो दिस मीन्स वी कैन कंक्लूड आर डिस्कशन ऑन द पोर्टफोलियोज बीटा बाय सेंग दैट

वो मार्केट के रिटर्न से 16 परसेंट ज्यादा होने की तो है मीनिंग दैट इफ द मार्केट विल अर्न 10 परसेंट रिटर्न आर पोर्टफोलियो इज लाइकली टू गिव अस 11.6 परसेंट रिटर्न